ज्ञानी खेड़ा मंदिर जो है जिसके द्वारा हटाया जा रहा है, ये देखिए हमारे ये जेक द्वारा उठा के पूरा फिट किया जाएगा। ये पूरी जगह खाली पड़ी है, सब जेक लग के हट जाएगा। यहाँ पीछे शिफ्ट किया जाना है। अच्छा, अवस्थी जी आज जो कार्यक्रम चल रहा है, ये प्राचीन मंदिर है जो हनुमान जी का, इसलिए आए हैं, कैसे किस प्रकार से धरना प्रदर्शन आपका चल रहा है, जो सोशल मीडिया पे भी इस समय गुस्सा जाहिर हो रहा है, किस चीज को लेके? श्री राम, आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को और पुलिस प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि हनुमान जी महाराज ये जो खसखसियानी खेड़ा में है, ये हिंदुओं की जनभावनाओं का आस्था का केंद्र है। यहाँ लाखों लोग इसको दर्शन कर चुके हैं, लाखों लोगों की आस्था है और ये हजारों लोग प्रतिदिन दर्शन करते हैं। आप लोग, मैं निवेदन करना चाहता हूँ जिलाधिकारी महोदय से कि तानाशाही बंद करें और आप इसको तोड़ने से हटाने से बाहर जाएं। अगर आपको हटाना ही का निर्णय ले लिया है तो टाउन हॉल में बनी हुई अवैध मस्जिद जो कि 2012 का न्यायालय का आदेश है उसे तोड़वाने का, वो हिंदुओं के कुआं वाले की जमीन पर बनी हुई है। आप उसमें हाथ लगा के दिखा दो, मैं मान लूंगा कि आप इस चैनी खड़ा मंदिर को हटवा लिए। लेकिन जब तक आपकी इतनी क्षमता नहीं है तो विचार करो, क्या हिंदुओं को इतना कमजोर समझ रखा है? हिंदू इतना कमजोर नहीं है, हिंदू काहिर काफिर नहीं है। हिंदुओं ने अपने हाथ में तलवारें भी उठाई हैं, बंदूकें भी उठाई हैं, देश के गुंडों को और जो गद्दारों को भगाने का भी काम किया है। इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि हनुमान जी महाराज के मंदिर में लगाने से पहले मस्जिद हटाने का काम करना, चौकी चौराहे में बनी हुई मजार बरेली में उसको हटाने का काम करना, ऐसी बहुत सी मजारें अवैध बनी है उनको हटाने का काम करना। इससे पहले भी ये हटाने का प्रयास चला था, करीब 4 महीने या 4 साल पहले का प्रोग्राम था जिसपे जेसीबी मशीन खराब भी हुई थी, और कल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिलाधिकारी महोदय का पुजारी जी के साथ, उसमें कितनी सच्चाई? उस पर आप भी बोले थे लाल कर दूंगा और बदतमीजी से पेश आए थे, उस पर आपने भी कुछ प्रतिक्रिया जाहिर करी थी? मैंने प्रतिक्रिया की थी, वो आज भी मैं उस पर कायम हूँ। जिलाधिकारी महोदय, संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदू समाज, किसी हालत में हिंदू समाज संत और धर्म और मठ मंदिर गुरुद्वारा का अपमान नहीं सह सकता है। उसी क्रम में बताना चाहता हूँ, जो आपने संतों का अपमान किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, वर्दिया वाली भाषा का प्रयोग किया है, उसके लिए आप खेद व्यक्त करें, अन्यथा हिंदू जनमानस आपको इसका जवाब देता नहीं बनेगा। हिंदू जनमानस जवाब से प्रश्न करेगा तो आप ये भूल जाओगे कि आप जिलाधिकारी हैं। मैं बताना चाहता हूँ, आप या तो खेद व्यक्त करिए और नहीं तो आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए हिंदू जनमानस तैयार है। प्रशासन की भीड़ है, क्या आश्वासन दिया है आपको, क्योंकि 140 वर्षों पुराना मंदिर है ये, प्राचीन और पुराना मंदिर है, क्या आश्वासन मिला? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश 2007 से पहले जो बने हुए मंदिर या मस्जिद, कोई भी उसको तोड़ने का अधिकार नहीं, हटाने का भी अधिकार नहीं है, अंगुलियां लगाने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ का पुलिस प्रशासन अपनी हर धर्मिता पे अमादा है। 2007 से पहले का आप सुप्रीम कोर्ट का अभी रूलिंग उठा लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा है ये तो सैकड़ों वर्ष पुराना है, इसलिए इसमें तो हाथ लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, इस मंदिर को हटाने का प्रयास मत करें, और अगर हटाना ही है तो पहले टाउन हॉल वाली मस्जिद पर विचार करें, उसके बाद भी इस पर विचार करना, अन्यथा जन आंदोलन होगा, पूरे जिले में आंदोलन होगा, पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा, जिसको आप उत्तर। एक आखिरी सवाल है, एक जिले के मंत्री जी का नाम आ रहा है, मंत्री जी कौन है? मंत्री जी तो बहुत हैं उनका भी, क्यों मंत्री जी वीडियो मंत्री जी कर रहे हैं, कौन मंत्री जी हैं इस पे? देखिए, मंत्री तो शाहजहांपुर में 3 और 4 हैं, आप सभी लोग जानते हैं, आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौन मंत्री जी आए थे। अगर मंत्री जी ने भी ये आग्रह किया है, निवेदन किया है, तो उन्हें कुछ सोचा जरूर होगा, लेकिन सोचने से पहले उन्हें विचार करने से, क्या इससे पहले कभी मस्जिद के लिए सोचा था हटवाने के लिए? एक बार उनको विचार करना चाहिए कि जिस तरीके से यहाँ बैठे थे, ऐसे ही मस्जिद को तोड़वाने के लिए, हटवाने के लिए हिंदू जनमानस के बीच में या मुस्लिम समाज के बीच में जाएंगे और कहेंगे अवैध मस्जिद हटाओ, ये मेरा निर्णय है। मैं मान लूंगा कि आप बहुत अच्छे हो और इसका मैं कद्र करता हूँ, आप लोग विचार जरूर करिए। एक बार मंत्री से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इनके तलवे चाटना बंद करो, ये गद्दार थे, गद्दार हैं और गद्दारी करते रहेंगे, ये कभी आपके सगे नहीं हो सकते हैं। आप हिंदुओं की चिंता करो, तभी आपका कल्याण होगा। मैं आपको ये बता, हनुमान जी महाराज की कृपा तभी प्राप्त होगी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।